सो गाइस, आज इस वीडियो अंदर हम लोग बात करने वाले कैलकुलेटर के बारे में कि कैलकुलेटर के अंदर आप लोग फ्री फायर को कैसे छिपा सकते हो, फ्री फायर को कैसे हाइड कर सकते हो कैलकुलेटर के अंदर। जैसे गाइस आप लोग इसकी मदद देखो, यहाँ पे मैंने कैलकुलेटर को खोल के रखा है और यहाँ पे गाइस मैं एक पिन डालूंगा। पिन डालने के बाद जैसे मैं बराबर पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे गाइस हाइड ऑप्शन खुल जाएगा, जहाँ पे मैं किसी भी एप्लीकेशन को हाइड कर सकता हूँ, किसी भी एप्लीकेशन को छिपा सकता हूँ। ठीक है, तो आप लोग कैसे कैलकुलेटर के अंदर फ्री फायर को छिपा पाओगे, कैसे हाइड कर पाओगे, ये मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो गाइस वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को जरा सा भी स्किप मत करना। अगर गाइस आप लोग भी चाहते हो फ्री फायर को हाइड करना, या फिर इंस्टाग्राम को हाइड करना, या फिर किसी भी एप्लीकेशन को हाइड करना कैलकुलेटर के अंदर, या फिर कैलकुलेटर के अंदर तो कैसे हाइड कर पाओगे, ए टू जेड मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो कैसे भी स्किप मत करिए, वीडियो को पूरा देख लेना। ठीक है, लेकिन उससे पहले इतने बजे चैनल भी नहीं हो, पहली बार हो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको हमारी ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोग को बता दें कैसे आप लोग कैलकुलेटर के अंदर फ्री फायर को हाइड कर पाओगे। सो गाइस देखो, कैलकुलेटर के अंदर फ्री फायर को हाइड करने के लिए आप लोगों को क्या करना है। सबसे पहले गाइस आप लोग अपने फोन के अंदर गूगल क्रोम ब्राउजर को यहाँ पे ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आप लोग को यहाँ पे न्यू टैब को ओपन कर लेना है। ठीक है, न्यू टैब ओपन करने के बाद आप लोग को यहाँ पे सर्च वाले बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे सर्च करना है गेम कंसोल। ठीक है, और जिस टैब से मैंने यहाँ पे सर्च किया लिख किया, सेम आपको इसी टैब से लिखना है। और उसके बाद आप लोग को यहाँ पे गेम कंसोल का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, इसको यहाँ पे ओपन कर लेना है। ठीक है, ओपन करने के बाद आप लोग को यहाँ पे जो गाइस आप लोग को वेबसाइट का मतलब फर्स्ट में जो लिंक मिला है, इस लिंक पे क्लिक कर देना। क्लिक करोगे कुछ इस टैब से यहाँ पे वेबसाइट ओपन हो जाएगा। ठीक है, वेबसाइट ओपन होने के बाद ऊपर में यहाँ पे ऐड चला, इस ऐड पे क्लिक कर देना। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे सर्च पे क्लिक करना। ठीक है, उसके बाद आप लोग यहाँ पे हाइड लिख के सर्च कर लो। ठीक है, हाइड लिख के सर्च करोगे तो यहाँ पे गाइस आप लोग काफ़ी सारा ऑप्शन मिलेगा, तो आपको कुछ नहीं करना है। ये वाला जो पोस्ट मिलेगा कैलकुलेटर में फ्री फायर कैसे छिपाएं, इस पोस्ट पर क्लिक कर देना। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऐड चलेगा, इस पर क्लिक करके इसको यहाँ पे कट कर दो। ठीक है, कट करने के बाद आपको स्क्रॉल करना है, यहाँ पे ऐड चला, इस ऐड पे क्लिक कर देना है, थोड़ा स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा कैलकुलेटर हाइड ऐप डाउनलोड। ठीक है, और नीचे मिलेगा क्लिक हियर का बटन, इस पर क्लिक करना। जैसे इस पर क्लिक करोगे यहाँ पे 30 सेकंड का टाइमिंग खेलना स्टार्ट हो जाएगा, आप लोगों को यहाँ पे 30 सेकंड तक वेट कर लेना है। तो गाइस देखो, जैसे यहाँ पे टाइमिंग खत्म होगा आपके सामने यहाँ पे डाउनलोड फाइल का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे सीधे आप लोग को यहाँ पे प्ले स्टोर पर लेके आ जाएगा, और प्ले स्टोर के अंदर आने के बाद आप लोग को ये वाला एप्लीकेशन को क्या करना, अपने फोन के अंदर डाउनलोड कर लेना। ठीक है, अगर आप लोग ऐसे जाके सर्च करोगे प्ले स्टोर के अंदर तो गाइस आपको ये एप्लीकेशन देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए आप लोग लिंक पे क्लिक करके ही इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, क्योंकि मैंने काफी दिन से इसको खोज करके वहां पे डाला है। ठीक है, तो आप लोग लिंक से ही डाउनलोड कर लेना। ठीक है, जैसे आप लोग यहाँ पे कैलकुलेटर एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे कुछ स्टेप से आपके फोन के अंदर ये डाउनलोड हो जाएगा, जो कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो, और थोड़ा देर वेट करने के बाद आपके फोन के अंदर ये इंस्टॉल भी हो जाएगा। ठीक है, इंस्टॉल होने के बाद आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सिंपल आप लोग को एप्लीकेशन को यहाँ पे ओपन कर लेना है। जैसे आप लोग फर्स्ट टाइम इसको ओपन करो कुछ स्टेप से आएगा वेलकम टू हाइड यू करके आएगा, उसके बाद आप लोग को नीचे एग्री एंड कंटिन्यू का ऑप्शन मिला, इस पर क्लिक कर देना और यहाँ पे इस पर क्लिक कर देना। ठीक है, जो भी आपको परमिशन मांग रहा है सारा परमिशन आप लोग यहाँ पे ऑन कर देना। ठीक है, परमिशन ऑन करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना। उसके बाद आप लोग को बताया जा रहा है अपना पिन सेट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पिन सेट कर देता हूँ 1 2 3 4। ठीक है, और यहाँ पे बराबर पे क्लिक करता हूँ, फिर से 1 2 3 4 और बराबर में क्लिक करता हूँ। इस टाइप से क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे कुछ स्टेप्स इंटरफेस आ चुका है, और यहाँ पे ये लगाने के लिए बोल रहा है पैटर्न, मैं नहीं लगाऊंगा, इसको स्किप कर दूंगा। ठीक है, ओके कर देता हूँ। ठीक है, स्किप पे क्लिक करके स्किप कर लेता हूँ। ठीक है, ऐड चलेगा, इसको कट कर देता हूँ। ठीक है, बस भाई आपको इतना ही करना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे गैलरी के बारे में बता रहा है कि अगर आप लोग चाहते हो गैलरी का फोटो को हाइड करना तो गैलरी का फोटो को भी आप लोग हाइड कर सकते हो। ठीक है, तो मेरे को गैलरी का फोटो तो हाइड नहीं करना है। ठीक है, फिर भी यहाँ पे जो बता रहा है इसको मैं फॉलो कर लेता हूँ इसको। ठीक है, उसके बाद गाइस हम लोग को क्या करना है, हाइड यहाँ पे एप्लीकेशन को हाइड करना है। ठीक है, तो एप्लीकेशन को हाइड करने के लिए आप लोग क्या करना है, यहाँ पे हाइड ऐप का ऑप्शन मिला है। ठीक है, इस पर गाइस आप लोग क्लिक कर दें। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे गाइस आपको काफ़ी सारा ऑप्शन मिलेगा, तो आपको क्या करना है, फ्री फायर को हाइड करना। तो ये रहा हम लोग का फ्री फायर, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन है, गेम है, ठीक है, उसको हाइड करना चाहते हो उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं काफ़ी सारे गेम को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये सब सेलेक्ट कर लिया, नेक्स्ट का नीचे ऑप्शन मिला, इस पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे इंटर पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे कैलकुलेटर वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, देन इसके बाद यहाँ पे क्लिक करता हूँ। देखो कुछ स्टेप्स यहाँ पे रिफ्रेश हो रहा है, थोड़ा टाइमिंग लगेगा लेकिन यहाँ पे रिफ्रेश होकर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इसको मैं करता हूँ ओके पे क्लिक। ठीक है, जैसे यहाँ पे ओके पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे ओके कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोग का जो फ़ोन का स्क्रीन है पूरा यहाँ पे चेंज हो चुका है, काफ़ी अच्छा लुक यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, और जो हम लोग का फ्री फायर यहाँ पे हाइड हो चुका है। ठीक है,
और हाइड एप्लीकेशन को निकालने के लिए आप लोग क्या करना है, यहाँ पे कैलकुलेटर को ओपन करना और यहाँ पे जो आपका पिन है वो डाल के यहाँ पे बराबर क्लिक करना। तो यहाँ पे गाइस आपको हाइड एप्लीकेशन देखो मिलेगा, जो कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, ऊपर में जितना भी आँख बना हुआ है ये सारा एप्लीकेशन हाइड किया हुआ है, ठीक है। और इसको यहाँ पे अगर कट कर दोगे तो कोई बंदा खोज भी नहीं पाएगा आपका फोन के अंदर फ्री फायर यहाँ पे है, ठीक है। मैं यहाँ पे सर्च करके भी दिखाता हूँ, यहाँ पे फ्री फायर जो हो, फ्री फायर यहाँ पे नॉर्मल है, एडवांस सब है, लेकिन जो हम लोग का फ्री फायर मैक्स है जो मैंने हाइड किया है, ठीक है, जो यहाँ पे मैंने हाइड किया है वो आप लोग को यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। जो कि आप लोग इसमें देख सकते हैं यहाँ पे फ्री फायर मैक्स देखने को मिल रहा है, ठीक है, फ्री फायर मैक्स यहाँ पे हाइड किया हुआ है तो वो आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से आप लोग अपने फ़ोन के अंदर क्या कर सकते हो, एप्लीकेशन को हाइड कर सकते हो कैलकुलेटर के अंदर, ठीक है। और कैलकुलेटर को कहाँ से डाउनलोड करना है काफ़ी सारे लोग कमेंट करते हैं, तो मैंने जिस टाइप से बताया ना भाई उसी टाइप से डाउनलोड करना, ठीक है। तो गाइस देखो जितना भी कुछ था सब कुछ मैंने इस वीडियो अंदर आपको बता दिया, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस टाइप से आप लोग यहाँ पे फोटो को हाइड कर सकते हो, वीडियो को हाइड कर सकते हो, फाइल मैनेजर के अंदर कुछ भी है उसको भी हाइड कर सकते हो, और इसके साथ आप लोग कोई भी एप्लीकेशन के अंदर लॉक लगाना चाहते हो तो वो भी आप लोग यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको लॉक के बारे में वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। बाकी चलो गाइस मिलते हैं और वीडियो अंदर, तक के लिए बाय बाय, चैंज फंदे मात्रम। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूँ फ्री डायमंड ट्री के बारे में, जो कि है विंजो एप्लीकेशन के अंदर। आप में से काफी सारे लोगों ने विंजो एप्लीकेशन का नाम सुनते हैं वीडियो को स्किप कर दिया होगा, तो मैं आप लोग को बता दूँ अभी चल रहा है विंजो एप्लीकेशन के अंदर एक धमाकेदार ऑफर, जहाँ पर आप लोग को फ्री फायर गेम के अंदर डायमंड ले सकते हो। और अगर आप लोग डायमंड नहीं लेना चाहते हो तो आप लोग को गूगल प्ले का रिडीम कोड मिल जाएगा, बस आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो कमेंट बॉक्स के अंदर जो लिंक दिया हुआ है इस लिंक पे क्लिक करके विंजो एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद इसको इंस्टॉल करके इसको ओपन करना है। जिसे ओपन करोगे आपके सामने कुछ इस टाइप से ऑप्शन आएगा, जहां पे लैंग्वेज का चूज करने का ऑप्शन आएगा। सिंपल आप लोग को लैंग्वेज चूज करके मोबाइल नंबर डाल करके यहाँ पे लॉग इन कर लेना। यहाँ पे आप लोग जब लॉग इन करोगे तो आप लोग को न्यू नंबर से लॉग इन करना है, ताकि आप लोग को यहाँ पे ऑफर में आपको 550 रुपया मिल जाए, क्योंकि देखो ये जो ऑफर है न्यू नंबर पे काम कर रहा है। तो अगर आपके पास न्यू नंबर है तो न्यू नंबर से लॉग इन करना, तभी आपको 550 रुपया बोनस के तौर पर मिल जाएगा, जिसको आप लोग फ्री फायर गेम के अंदर या फिर गूगल प्ले का रिडीम कोड बना करके निकाल पाओगे। तो यहाँ पे मैंने न्यू नंबर डाल के फटाफट से लॉगिन कर लेता हूँ। और देखो लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ स्टेप्स इंटरफेस आ जाएगा, जहाँ पे आपको काफी सारे गेम मिलेगा, तो आप लोग कोई भी एक गेम खेलना, ताकि आपका अकाउंट यहाँ पे वेरिफिकेशन हो पाए। अगर आप लोग यहाँ पे कोई सा भी गेम नहीं खेलोगे तो आप लोग यहाँ पे वेरिफिकेशन नहीं हो पाओगे और आप लोग को 550 रुपया नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोग को पहले यहाँ पे क्या करना है, मोबाइल नंबर डाल के रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको कोई सा भी एक गेम खेल लेना है। गेम वगैरह खेलने के बाद आपको सिंपल से यहाँ पे बैक करना है। बैक करने के बाद आप लोग को यहाँ पे क्या करना है, आप लोग को यहाँ पे मिलेगा एक विंजो स्टोर देखूंगा, जो कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो। अगर आप लोग फ्री फायर मैक्स के अंदर डायमंड लेना चाहते हो तो फ्री फायर मैक्स में क्लिक करके जितना भी डायमंड लेना है ले सकते हो। बाकी आप लोग को अगर गूगल प्ले का रिडीम कोड लेना होगा तो आप लोग सिंपल से बैक करना। बैक करने के बाद आप लोग को यहाँ पे नीचे देखो मिल जाएगा गूगल प्ले का ऑप्शन, जो कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो। आप लोग को 550 मिला है तो 500 पे क्लिक करना, बाय पे ऑप्शन पे क्लिक करना, ठीक है। जैसे आप लोग क्लिक करोगे बाय वाले ऑप्शन पे तो आपके पास जो 500 रुपया होगा आईडी में वो कट जाएगा और आप लोग को यहाँ पे 510 रुपया का जो रिडीम कोड है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो कुछ स्टेप से आप लोग रिडीम कोड ले पाओगे। बाकी आपको ये ट्रिक कैसा लगा कमेंट करके बताना, और मिला कि नहीं मिला आप लोग ये भी बता देना।